स्टूडेंट, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कैलोरीमेट्री। और सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं हम। पहले हम यह समझते थे कि विच एवर इज कोल्ड इट इज एट लोअर टेम्परेचर एंड विच एवर इज हॉट इट इज एट हायर टेम्परेचर। बट कोल्ड और हॉट फील होना यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर होगा तो वो हमें हॉट फील होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो होती है। तो हॉट और कोल्ड इज नॉट द करेक्ट वे टू मेजर द टेम्परेचर। इनफैक्ट टेम्परेचर के हम दो तरह के डेफिनेशन देखते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर होता है, इट इज अ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। तो मुझे यहां कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स इट इज द टेम्परेचर इज द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। अब बात हुई पोटेंशियल क्या होता है। हमने एक डेफिनेशन तो लिखी है, टेम्परेचर इज द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। यहां पोटेंशियल वर्ड समझना जरूरी है। पोटेंशियल हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या करता है, हायर टू लोअर डायरेक्शन में फ्लो करता है मैटर का। यानी आपने देखा होगा अगर यहां वाटर है और आपने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो वाटर फ्लो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है यहां पर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ मैटर की। उसी तरह थर्मोडायनामिक पोटेंशियल डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ एनर्जी की, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इनफैक्ट। दूसरी तरफ हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का मेजर हो गया। सीधे सीधे हम देखेंगे वहां काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स व्हेनेवर द टेम्परेचर इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन गैस। तो यह तो हमारा टेम्परेचर के बारे में बात हो गई। और टेम्परेचर मेजर करेंगे हम आगे क्या होता है, और टेम्परेचर के बेसिस पर हम कुछ और लॉज डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं जीरोथ लॉ, दैट मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड में आप इक्विलिब्रियम वर्ड को देखिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैकेनिक्स में हम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हैं। इन मैकेनिक्स इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, ऑल्सो नेट टॉर्क जीरो। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यह हुआ देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नो फ्लो ऑफ हीट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, देयर इज नो मोर फ्लो ऑफ द हीट। और टेम्परेचर इज द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, और टेम्परेचर डिसाइड करता है फ्लो ऑफ हीट। और हमें यहां लिखना चाहिए हीट फ्लोज फ्रॉम, वी नो दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हो सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर एक ही ऑब्जेक्ट के भी हो सकते हैं और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो हम यहां देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए जीरोथ लॉ क्या कहता है। अगर कोई फ्लो ऑफ हीट नहीं है, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो गया, दैट इज द सिंपल केस। अगर टेम्परेचर सेम है देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट। तो सीधी सी बात है, बहुत कठिन बात नहीं है, समझना बहुत आसान है। इनफैक्ट मैं कहूंगा बहुत सिंपल है वैसे भी है। ए बी और सी हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस इज द इंसुलेशन,
और इंसुलेशन है इसलिए ए से सी तक डायरेक्ट कोई हीट फ्लो नहीं हो सकती। इनिशियली यदि इनका टेम्परेचर डिफरेंट लेते हैं तो यहां कुछ जीरोथ लॉ के बारे में इस तरह से कह सकते हैं, इफ इफ ए एंड डी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ऑल्सो बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इट इज वेरी सिंपल, इसमें लॉ की क्या बात हो गई? कुछ लोग यह समझते हैं इसमें लॉ वाली क्या बात हो गई, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ काफी सिंपल है, शुरू शुरू में जब न्यूटन के पहले लोग जब देखते थे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता था तो यह किसी लॉ की तरह नहीं देखा जाता था, लेकिन न्यूटन ने इसे लॉ की तरह समझा और हमें समझाया। तो उसी तरह से यह बहुत आसान है, ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है। बी और सी भी साथ ही साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है इसलिए कोई हीट फ्लो नहीं हो रही है, और कॉन्वर्सली यह भी अगर दोनों के बीच हीट फ्लो नहीं हो रही है इसका मतलब यह नहीं है कि टेम्परेचर दोनों का सेम है, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं हो रही है क्योंकि दोनों के बीच में इंसुलेटर है। तो बी और सी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, दोनों के बीच में कोई इंसुलेशन नहीं है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। और इस तरह से हम कह सकते हैं ए भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में बी सी है तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, तो बी एज ए मीडिएटर एक्ट कर रहा है। दिस इज वेरी सिंपल लॉ और इस लॉ के बेसिस पर हम टेम्परेचर का कंसेप्ट समझते हैं। इस लॉ के बेसिस पर हम टेम्परेचर के बारे में यह कहते हैं कि टेम्परेचर के हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर हीट फ्लो होती है, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लॉ। तो आइए आगे देखते हैं हम, थर्मोमीटर्स एंड सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। थर्मोमीटर्स तो आपने देखे ही होंगे, आपने मेडिकल थर्मोमीटर देखा होगा जिसमें मरकरी फील होता है और टेम्परेचर हम उससे मेजर करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसकी रेंज बहुत कम होती है लेकिन प्रिसाइज होता है थोड़ा। इसी तरह गैस फील्ड थर्मोमीटर्स भी होते हैं जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है वहां पर, और गैस का वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है लेकिन टेम्परेचर के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है और यह प्रेशर इंक्रीज होने पर डिस्प्ले होता है एक डायल पर। तो गैस फील्ड थर्मोमीटर्स भी होते हैं, गैस फील्ड थर्मोमीटर्स लॉन्ग रेंज पर एक्ट होते हैं, लंबी रेंज के पर एक्ट कर सकता है, ये बहुत छोटे टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं और बड़े टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरह लिक्विड फील्ड थर्मोमीटर्स भी होते हैं लेकिन लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है तब तक ही वो काम कर सकते हैं, उसके काफी नीचे तक एक्चुअली हमें उससे यूज कर सकते हैं। तो थर्मोमीटर्स अलग अलग प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल तो सबका एक ही होता है, टेम्परेचर के साथ एक्सपांशन हो रहा है, तीनों में गैस हो लिक्विड हो या सॉलिड हो, लेकिन सबकी रेंज अलग अलग होती है और मैकेनिज्म सबकी डिवाइस अलग अलग हो जाती है। और मॉडर्न टेम्परेचर मेजर करने के लिए, हायर टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो थाउजेंड्स में जो टेम्परेचर होते हैं उन्हें मेजर करने के लिए तो मॉडर्न टेक्निक्स यूज होती है, स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। इनफैक्ट हमें वहां डिस्कस नहीं करना, हमें तो समझना है कि थर्मोमीटर्स क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल क्या होती है? सेल्सियस टेम्परेचर स्केल को हमने इस तरह से मेजर किया है, आइस पॉइंट को हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, द आइस पॉइंट ऑफ वॉटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर हमने लिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज ऑन द स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां से यहां तक आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वॉटर को तो 100 डिग्री तक आपको मिलेगा, यानी 100th पार्ट जो होगा वह 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यूनिट क्या होगा यहां पर सेंटीग्रेड, और यह स्टैंडर्ड प्रेशर पर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम ले तो।
और इसको मेजर करने के लिए यदि लिक्विड फिल थर्मामीटर लिया जाए, लिक्विड फिल थर्मामीटर इसलिए लिया जाए क्योंकि लिक्विड ऐसा है जो 0 to 100 के बीच में प्रॉपर तरीके से आप उसका एक्सपांशन देखते हैं। ज्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल हो जाएगा, अगर आपने कोई मेटल लिया है तो उसका एक्सपांशन थोड़ा स्लो होगा, आपने कोई गैस लिया है तो लॉन्ग रेंज होती है, और गैस के टेम्परेचर में इतना चेंज, इतना सा चेंज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, यानी गैस में इतना अगर टेम्परेचर चेंज मेजर करने की कोशिश करते हैं तो आप उसको इतने अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर सकते, प्रिसाइज नहीं होगा इतना वो। तो लिक्विड फिल में आपने एक लिक्विड फिल किया है, टेम्परेचर के साथ उसकी लिक्विड लेंथ बढ़ती है, आपने उसे 0 डिग्री से कैलिब्रेट किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर पर उसे कैलिब्रेट किया, तो यह जो मेजर है उसका 100th ऑफ डिस्टेंस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सपोज डी लिया आपने, 100th ऑफ डी इज द मेजर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। इट इज वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें समझना। तो इस तरह से हम सेल्सियस स्केल हमारी हो गई। तो आइए आगे देखते हैं डिफरेंट स्केल्स में क्या रिलेशन है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है यह समझते हैं हम सबसे पहले। इट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट, आई विल से को एग्जिस्ट इन ऑल 3 states, that is liquid, solid and vapor, and these are in equilibrium. Equilibrium से मतलब क्या हुआ कि जो प्रोपोर्शन है लिक्विड सॉलिड और वेपर का, वाटर का किसी कंटेनर में, वो मेंटेन रहता है, लिक्विड सॉलिड बनता है, सॉलिड वेपर बनता है, वेपर लिक्विड बनती है, और एक दूसरे में चेंज जो होता है उस तरह से ही है, लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड मेंटेन रहता है, लिक्विड टू गैस दैट इज द वेपर्स, आई विल से वेपर्स, वेपर और गैस में डिफरेंस होता है, और सॉलिड और वेपर, तो यह जो इक्विलिब्रियम वो एस्टैब्लिश होता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में और ज्यादा, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है इट इज इक्वल टू 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, यह होता है ट्रिपल पॉइंट। जबकि आइस पॉइंट क्या होता है, आइस पॉइंट में पता है आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंटरनेशनल जो ब्यूरो है मेजर्स का और वेट्स का, उन्होंने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को स्टैंडर्ड पॉइंट माना है, और यहां से लेके एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर जीरो होता है उसे स्टैंडर्ड माना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे लिया है उन्होंने 273.16 केल्विन, यानी जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट स्केल है उसे समझते हैं हम एब्सोल्यूट स्केल जो हो गई टेम्परेचर की, वो होती है 0 केल्विन से लेकर आप इसे लेंगे 273.16 केल्विन। दिस इज द ट्रिपल पॉइंट फॉर द वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इन दो टेम्परेचर्स के बीच के 1 by 273.16 part is 1 Kelvin. This is 1 Kelvin temperature. So this is the Kelvin scale. Kelvin scale को define इस तरह से किया गया है। तो simple सी बात है, हमने यहां पर कुछ नहीं किया, पहले centigrade scale को define करने के लिए 0 degree 200 degree को आपने 100 पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को आपने
बॉइलिंग पॉइंट को आपने 100 माना है और इसको 0 माना है, यानी इन दोनों टेम्परेचर को आपने स्टैंडर्ड माना है और इनके 100th पार्ट को 1 डिग्री सेल्सियस बोला है। और यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन होता है ऑब्वियसली, और ट्रिपल पॉइंट 273.16 केल्विन होता है। तो इनका 1/273.16 पार्ट इज 1 केल्विन, इट इज डिफाइंड। ये डेफिनेशन हो गई हमारे केल्विन की। तो हम आगे देखते हैं, और ये प्रेशर पे स्टैंडर्ड लेना होगा आपको, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रेशर भी लेना होता है वाटर के लिए, वो होता है 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेकिन यहाँ हमें इस बात का टेंशन नहीं है, हमें समझना है कि इन स्केल्स में रिलेशन क्या होता है। तो आइए आगे देखते हैं हम। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन टेम्परेचर स्केल्स, तीनों स्केल अलग अलग होती है, तीनों का काम एक ही है टेम्परेचर मेजर करना। लेकिन एक ही टेम्परेचर को तीनों अलग अलग रीडिंग होती है, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जीरो केल्विन जो होता है, एब्सोल्यूट जीरो जो होता है, वो हो गया हमारा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। वाइल जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जिसे हम आइस पॉइंट कहते हैं, वह हो गया हमारा 273.15 केल्विन। जिसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वो हो गया हमारा 373.15 केल्विन। नॉर्मली हम 373 लिखते हैं कॉमन कैलकुलेशंस में, 0.15 को नहीं लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, छोटे मोटे अप्रोक्सीमेशन तो बहुत कॉमन है फिजिक्स में। फ़ारेनहाइट अगर स्केल देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहां पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट स्केल का 0 यहां हो गया आपका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। और एब्सोल्यूट स्केल के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर फॉर्मूला से। और उसी तरह से जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वह एक्चुअली 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम टेम्परेचर होता है, यह सेम टेम्परेचर होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जिससे हम डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बीच में टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत आसान है, F-32/9 सेंटीग्रेड स्केल टेम्परेचर डिवाइड बाय 5 R/4। R एक और स्केल होती है, रिमूवर स्केल जिसे कहते हैं, उसमें 0 डिग्री और 80 डिग्री होता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने क्या लिख दिया, फॉर्मूला है हमारे सामने आ गया था इसलिए। और यहां लिखेंगे आप केल्विन टेम्परेचर, -273.15 भी लिख सकते हैं आप और 273 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 0.15 भी लिख सकते हैं यहां पर।